मैदरपुरा विस्तार में सोनानी फेक्टरी में करोड़ों की किमत सोनाना पेस्ट की चोरी करनाओ ने आखरे मैदरपुरा पुलिस झड़पी पड़िया। मैदरपुरा पुलिस मथक ना स्टाफ पेट्रोलिंग में हतो। बातमी आधार मैदरपुरा पुलिस मैदरपुरा पुलिस मथक विस्तार में आवेला वस्ता देवड़ी रोड पर मेजरिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड रिफाइनिंग विभाग में सोनाना 24 केरेट 1,45,00,000 की धूनी किमत पाउडर की चोरी थी। चोरी कर भागी छूटेला रीढ़ाओ जेमा अनुकुमार माता प्रसाद निषाद सोनूराम कुलबेंद संदीप राजू बेंद कृष्ण उर्फे कानो अमरनाथ गुप्ता राहुल आत्माराम बेंद रोशन लाल बहादुर निषाद ने झड़पी पड़िया। आरोपी पास थी पुलिस मुद्देमाल कब्जे करो। झड़पायेला आरोपी अनुकुमार कंपनी में काम करते हो अन्यों की चोरी करने टीपी आपी होने सामने आयो। हाल तो मैदरपुरा पुलिस रीढ़ाओं की धरपकड़ कर तपास हाथ धरी। मैदरपुरा पुलिस स्टेशन की हद में मेजारिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पे 26 और 27 तारीख की रात को 1,822 ग्राम रिफाइनिंग के लिए आया हुआ सोने का जो पाउडर है वो रात को चोरी हो गया। तो पुलिस स्टेशन में इससे संबंध में FIR दाखिल की गई और बाद में इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया। तो वहीं का ही रहने वाला उसी ज्वेलर्स में ही काम करने वाला एक एम्प्लॉई अनु कुमार स्नोप माता प्रसाद निषाद ये मूल रूप से सुल्तानपुर का रहने वाला है और अभी पिछले 1.5 महीने से यहाँ पे काम कर रहा है। उसका CCTV का मोमेंट नेक्स्ट दिन का जब दुकान का देखा गया ज्वेलर्स का तो उसका मोमेंट जो वो बहुत डाउटफुल लगा। तो चोरी के बाद में उससे पूछताछ की गई, आसपास के CCTV खंगाले गए तो उसने सारी कहानी बताई कि ये 7 लोगों ने मिलके और ये जो 1,822 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड पाउडर चोरी हुआ है उस चोरी को ये 7 लोगों ने अंजाम दिया। इसमें पहला व्यक्ति जो है वो ये अनु कुमारी है, ये 1.5 महीने से यहीं पे काम करता है और इसने ये टिप दिया कि यहाँ पे कई कई बार बहुत बड़े अमाउंट में गोल्ड आता है रिफाइनिंग के लिए और वो 1-2 दिन तक यहाँ पे पड़ा रहता है और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। ये अमरोली में रहता है और सुल्तानपुर UP का रहने वाला है। जिस रात इन्होंने प्लानिंग किया तो इसका रोल था कि ये नीचे खड़ा होके और निगरानी करेगा चारों तरफ। दूसरा जो आरोपी था वो सोनू सनोप रामफल है, ये सुल्तानपुर UP का रहने वाला है और यहाँ डबोली 4 रास्ता पे रामदेव एल्यूमिनियम है उसमें ये काम करता है और 4-5 महीने पहले ये सूरत आया था। उससे पहले ये गोल्ड रिफाइनिंग का काम करता था मुंबई में, लेकिन इसकी जो कंपनी थी वो कारा ज्वेलर्स करके थी, वो मुंबई में अपना कारोबार बंद करके चाइना चली गई। इस वजह से बेरोजगार हो गया था और फिर यहाँ के इसने एल्यूमिनियम का काम करना शुरू कर दिया। और ये भी जब चोरी हुआ तब ये नीचे खड़ा होके ये और अनु रोड के दोनों साइड में खड़े होके और रोड से वॉच कर रहे थे। तीसरा आरोपी जो है वो कृष्णा उर्फे कान्हा है, ये गोरखपुर UP का रहने वाला है और इसका परिवार जो है वो सूरत में ही रहता है। ये भी रामदेव एल्यूमिनियम में काम करता है, इसके फादर भी वहीं पे काम करता है। ये बॉर्न एंड ब्रॉटअप सूरत में ही है और ये होंडा साइन गाड़ी जो है वो लेकर के आया था। इन आरोपियों को जब ये चोरी हो गई थी तो चोरी होने के बाद ये चोरी वाली जगह से इनको ले जाके एक आदमी के रूम पे ये लोग इकट्ठे हुए थे सारे, वहां तक ये इनको होंडा साइन से लेके गया और उसके बाद में इसके पास में इनोवा गाड़ी है तो वो इनोवा गाड़ी में सबको बिठा के और सूरत रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आया था। चौथा आरोपी जो है वो संदीप है, ये जहाँ पे चोरी हुई उसके पीछे नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ पे चढ़ करके ये उसकी छत पे गया और छत पे जो एग्जॉस्ट फैन का पंखा है उस पंखे को हटाने वाला ये संदीप था। ये भी एल्यूमिनियम का काम करता है, सूरत में 1 साल से लगभग ये है और इसके पास से 200 ग्राम कुछ जितना सोना है वो हिस्से का बरामद हुआ है। पांचवा आरोपी है वो राहुल है, ये सुल्तानपुर UP का रहने वाला है। ये 26 तारीख की नाइट को ही यहाँ पे आया था, इसे सोनू ने बुलाया था। पहले इन लोगों की कई दिन से प्लानिंग चल रही थी तो इसको फोन करके बुलाया था कि इस तरह का एक काम करना है तुम एक दिन आ जाओ। छठा आरोपी जो है वो रोशन है, वो भी सुल्तानपुर UP का रहने वाला है। उसको भी सोनू ने बुलाया था 21 तारीख को। तो दो लोग जो राहुल और रोशन है उनको सोनू ने फोन करके यहाँ पे बुलाया था और 21 तारीख को ये रोशन आया। उसके बाद से सोनू के साथ ही रह रहा था। और सातवा जो आरोपी है वो सुनील है, ये अंबेडकर नगर बवाना मुस्लिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और अभी ये वांटेड है और इसको अभी ढूंढने के लिए हमारी टीम जो है वो उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। टोटल जो अभी तक गोल्ड रिकवर हुआ है वो 1,099 ग्राम गोल्ड है वो रिकवर हो गया है
और एक आरोपी अभी बाकी है, तो उसके पास से कितना गोल्ड और रिकवर होता है वो अभी उसके पकड़े जाने के बाद में और तपास के बाद में पता लगेगा। इन सारे लोगों ने उस दिन रात को संदीप के घर पे इस जगह को टारगेट करने का प्लान बनाया था। बाद में एक बाइक के ऊपर ये लोग वहाँ उस जगह पे चक्कर काट के भी आए थे। उससे पहले इन्होंने दो तीन जगह और भी देखी थी पिछले कुछ दिनों में कि कहाँ कहाँ पे चोरी की जा सकती है, पर कहीं जगह पे सीसीटीवी का नेटवर्क बहुत अच्छा था, कई जगह पे सिक्योरिटी गार्ड 24/7 थे, इसलिए इन लोगों ने फाइनली इस जगह को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। और उस दिन रात को 10 बजे फिर से संदीप, अनु और सोनू, ये तीनों 10-10:30 के आसपास इस जगह को देख के आए थे। बाद में ये लोग संदीप के घर पे बैठे वहाँ चोरी करने का। 1 बजे ये लोग निकले और नीम के पेड़ से ऊपर चढ़े, दो लोगों ने नीचे रेकी किया और एग्जॉस्ट फैन जो है उसको तोड़ करके वहाँ से घुसे और ये सारा सामान इन्होंने वहाँ से चोरी किया। उसके बाद में इस सामान को सभी का बराबर हिस्सों में इन्होंने बांटा। दो लोगों को इन्होंने 18-18 ग्राम जो है वो एक्स्ट्रा दिया और बाकी लोगों को बराबर 182 ग्राम जो है वो सोना आया। और इन लोगों की किसी की भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और सारे लोग ये 8वीं क्लास से लेके 10वीं 12वीं फेल, इस तरह का इनका एजुकेशन बैकग्राउंड है। और अभी इनका पुलिस रामदार कोर्ट से पुलिस कस्टडी लिया है और पूछताछ चल रही है। एक आरोपी बाकी है, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम उत्तर प्रदेश गई हुई है, वो पकड़ा जाएगा। उसके पास कितना और माल रिकवर होता है तो आपको आगे ब्रीफ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 न्यूज, सूरत। हमारी तमाम माहिती थी अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।